नमस्कार मित्रों, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे शालिग्राम शिला जो नेपाल से यहाँ पर आई है, जिससे भगवान श्री राम की मूर्तियों का निर्माण होना है, प्रतिमाओं का निर्माण होना है। और ये सभी यहाँ पर रखी हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए नेपाल ग्लेशियर धाम होकर से आई देवशिला, जो हजारों वर्ष पुरानी बताई जा रही है, भगवान राम काल से इसका अस्तित्व है। और ये बाकी शिलाएं हैं जिनसे अन्य मूर्तियों का निर्माण होना है। ये आप देख सकते हैं राजस्थान से आई 3 शिलाएं। इन सभी शिलाओं से प्रभु श्री राम और बाकी अन्य भगवानों की मूर्तियों का निर्माण होना है। ये देखिए कितना बड़ा शिवलिंग है यहाँ पर स्थापित बीच में। और ये कर्नाटक से आई हुई अन्य शिलाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण। इन सभी शिलाओं को यहाँ पर स्थापित किया गया है, रखा गया है अभी, और इनसे निर्माण होना है प्रतिमाओं का। ये सभी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं इस मंदिर के निर्माण में। अयोध्या की जो विरासत है, जो भूमि है यहाँ की देवभूमि, उसके विकास में किस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें प्रभाव डाल रही हैं, और इन छोटी छोटी चीज़ों से ही कितने बड़े बड़े यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस और पूरा निर्माण का कार्य, जीर्णोद्वार का कार्य चल रहा है चारों तरफ, आप देख सकते हैं। तो ये बड़ा ही सुखद है, और आप अगले कुछ वर्षों में इतना परिवर्तन अयोध्या की धरा पर देखेंगे, इतना परिवर्तन यहाँ देखेंगे, आपको अलग ही एक अनुभूति का एहसास होगा। और जो मैंने महसूस किया है, यहाँ हर व्यक्ति के मन में राम बसता है, हर शिला में, हर जगह, सबके घरों में, उनके रास्तों पर, गलियों में, हर जगह आपको कहीं ना कहीं भगवान राम की छाप मिलेगी, उनके घरों में, हर जगह। तो ये अलग एक अनुभूति है, बहुत सुखद अनुभूति है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, और आगे और अपडेट्स के साथ शायद कुछ और लेके आऊँगा आपके लिए। हम गए थे हनुमानगढ़ी मंदिर भी, जहाँ पर हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत भव्य विस्तार में दर्शन हुए। और लेकिन राम मंदिर अभी बंद हो गया था, हम कल हो आए थे वैसे, तो राम मंदिर के हम दोबारा दर्शन नहीं कर पाए, और हमारी ट्रेन है, हमें निकलना है। लेकिन हनुमानगढ़ी मंदिर के हमने बहुत अच्छे से दर्शन करें, शिलाओं के अच्छे से दर्शन करें, तो यही पर्याप्त है, हमारा आना सफल हुआ। तो अब हमारी ट्रेन है, दोपहर में हम निकलेंगे। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।